हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में जो क्वेश्चन सॉल्व करना सीखना जा रहे हैं वो हमने मैनेजमेंट पेपर 3 दिसंबर 2015 से लिया है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में या कहीं भी सिलेबस में अगर एडवांस इकोनॉमिक एनालिसिस या माइक्रो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें डिमांड फंक्शन दिया हो, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस पूछी हो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पूछी हो, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हर फील्ड में या हर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए ये हम लोगों को पता होना बहुत ज़रूरी है कि हम इस क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें एक डिमांड फंक्शन दिया हुआ है, Q इक्वल्स टू 500 - 5P, जहाँ पर जो Q है वो क्वांटिटी डिमांडेड को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो P है वो प्राइस कमोडिटी का है। ठीक है, यहाँ पर कहा गया है कि फाइंड आउट पॉइंट प्राइस इलास्टिसिटी, यानी हमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करना है, जबकि P दिया हुआ है कि अगर P 20 है तो इस पॉइंट पे, यानी P = 20, यानी इस पॉइंट पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितनी होगी। तो क्योंकि ये एक स्पेसिफिक पॉइंट पर पूछ रहा है इसलिए पॉइंट इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। अगर आपने मेरे पहले के वीडियो देखे होंगे जिसमें हमने डिमांड फंक्शन को एक्सप्लेन किया है या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताया है कि क्या होता है, तो आपको इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पता होंगी कि हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज़ कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी और डेल्टा पी का मतलब होता है चेंज इन प्राइस। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें प्राइस अपॉन क्वांटिटी से, तो जो हमारा निकल कर आता है वो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल कर आता है। तो सबसे पहले जो गिवन डिमांड फंक्शन है क्यू इज इक्वल्स टू 500 - 5P, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट है। इसमें क्वांटिटी को उन्होंने डिफाइन कर दिया है कि ये क्वेश्चन में ऑलरेडी डिफाइंड है कि ये क्वांटिटी डिमांडेड है और पी का मतलब यहाँ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी है। तो फिर ये क्या है, ये माइनस फाइव क्या है? सबसे पहले तो ये 500 इंटरसेप्शन ऑफ वाई है, यानी वाई का इंटरसेप्शन पॉइंट। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। अगर हम डिमांड कर्व ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का होगा। तो जो ये इंटरसेप्शन का मतलब वाई पर जहाँ पर डिमांड कर्व कट कर रहा है, ये वाला पॉइंट होगा, ये 500 होगा। ठीक है, ये 500 हो गया। देन माइनस फाइव क्या है? माइनस फाइव जो है वो एक्चुअली में जो है वो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, यानी चेंज इन क्वांटिटी ड्यू टू चेंज इन प्राइस ये बताता है। तो ये डायरेक्टली हमें पता लग जाता है ये माइनस फाइव क्या है, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी। अब हमें ये तो गिवन ही है। अगर आप पहले के देखेंगे, हमने जिसमें क्वांटिटी डिमांडेड फंक्शन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप इसमें को बहुत ही इलैबोरेट तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप चाहें तो इसके लिए मेरी पहले की वीडियोज़ भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए सिर्फ हमें इतना जानना था कि हमें डिमांड फंक्शन से तो ये उठा लेना है, तो हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का एक पार्ट मिल गया है। मगर अब और प्राइस तो ऑलरेडी गिवन है, पी इज इक्वल्स टू इन्होंने दिया है 20 रुपीज़, तो हमें दूसरी चीज़ मिल गई। अब हमें क्या चाहिए? हमें क्वांटिटी चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए। तो क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइस की जो भी 20 दिया हुआ है वो हम इस डिमांड फंक्शन में पुट कर देंगे, तो हमारा क्वांटिटी डिमांड आ जाएगा। तो इसके लिए हम कर सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल्स टू 500 - 5, और पी कितना गिवन है 20। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये 500 अपनी जगह पे रहेगा, माइनस 5 - 10, ये हो जाएगा 100, यानी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी हमारी 400 यूनिट्स। तो अब हमें सब कुछ मिल गया है जो हमें चाहिए था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के लिए। हमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था, और उसके बाद पी बताया हुआ था, हमने क्वांटिटी को निकाल लिया है। अब हमें सिंपल क्या करना है, हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के उसमें फॉर्मूले में इसे सिंपली पुट कर देना है। तो अगर हम पुट करना स्टार्ट करेंगे तो हम कहाँ से, सबसे पहले डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, ये दिया हुआ है माइनस फाइव इंटू पी, प्राइस कितना है 20, क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है 400, हमें अभी कैलकुलेट करके हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, तो अगर हम इसे कैंसिल करना शुरू करें, ये जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर 2 1s are 2, 2 20s are 40, फिर 5 1s are 5, 5 4s are 20, तो ये आएगा माइनस 1/4
वन अपॉन फोर को अगर हम सॉल्व करें तो हम इसे कह सकते हैं माइनस 0.25। तो ये है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कितना निकला हमारा, निकला माइनस 0.25। माइनस ये बताता है कि निगेटिव रिलेशनशिप होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में। तो चार ऑप्शंस में से एक ही ऑप्शन गिवन होगा, माइनस 0.25 आप लगा देंगे। ये बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है। आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपके पास और भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में दे सकते हैं। पूरी कोशिश करेंगे कि अगली वीडियो में हम उसे भी आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड मेथड से आपको बता सकें। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा है तो थम्स अप दें, और अगर कोई भी क्वेरी है या आपको पास कोई भी सजेशन है, कॉम्प्लीमेंट है, प्लीज़ आप कमेंट में दें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर